सालों से समस्याएं थी किसानों को, लगभग काफी सारे विभाग नहीं आए यहाँ पे, न उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। और आज का एक ज्ञापन था माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम, जो हमें जिलाधिकारी महोदय को देना था। जो केंद्र सरकार ने वायदे किए थे, पिछले 10 साल से लगातार वायदे करते आ रहे हैं। जब किसान आंदोलन चल रहा था चिल्ला बॉर्डर वगैरह और पूरे बॉर्डरों पे दिल्ली में, उस समय हमारा संगठन था जिसने जो मतलब कृषि कानून आए थे उनमें संशोधनों पर हमारी सहमति बनी थी सरकार से। उस समय पे हमसे एक वायदा किया गया कि हम एमएसपी पे एक ठोस कानून बनाएंगे, और बाद में जो चीजें हुई सरकार ने एक भी चीज किसानों की नहीं मानी। अभी सरकार यूरिया पे 50 किलो था पहले, 45 किया, अब 40 करे दे रहे हैं, रेट वही रखा, वजन घटा दिया। इसका सीधा सीधा नुकसान पूरे देश के किसानों को है। तो इन्हीं मांगों को लेकर के हम ज्ञापन देना चाह रहे थे जिलाधिकारी महोदय को, जिनके माध्यम से ज्ञापन ऊपर तक जाता या नहीं जाता वो उनका विषय था। हमें अपनी मांग जगह जगह इसी तरीके से आज बहुत से जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं हमारे, उसी कड़ी में आज एटा जिला भी था। तो ज्ञापन के लिए हमने एक चीज देखी आज यहाँ पे, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अपने ऑफिसों में बैठने में बहुत ज्यादा मस्त हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी किसी को भी नहीं, अभी आपसे मैडम बात करेंगे हम, किसी भी अधिकारी ने ये नहीं सोचा कि किसान इतनी दूर से चल करके यहाँ तक आ गया उनके ऑफिस तक, यहाँ पे आकर के उनकी समस्याएं सुनने के लिए एक भी अधिकारी 2 घंटे पहले आ जाता या यहीं पे मिल जाता बाहर, या तो किसान बहुत ज्यादा खुश हो जाते। इसमें ये किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, इसमें ज्यादातर लोग पीड़ित लोग हैं। किसान सम्मान निधि पे अभी जिला कृषि अधिकारी से बात हुई, उन्होंने 5 योजनाएं गिनाई अपने विभाग की, एक भी योजना का लाभ इतने सारे बैठे किसानों में से किसी को नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि खाते में आती है, वो केसीसी में चली जाती है। किसान कर्जदार क्यों हुआ? उसने खेती की, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाया, केवल सरकार के किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान को आज तक फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पाया। दूसरी चीज, एक समस्या थी अबागढ़ थाने की, किसानों की लगातार आए दिन बहस खुल जाती है, तो उनकी भी कोई सुनने नहीं आया। बहुत सी समस्याएं ऐसी थी कि अधिकारी, हमें ये लग रहा है, केवल अपने ऑफिसों में मस्त हैं और किसानों के पास में बीच में कोई जाना नहीं चाह रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जैसे सिंचाई विभाग है, 1 किलोमीटर पटरी अच्छी बना देते हैं, उसके बाद में चाहे कुछ होता है या नहीं होता उन्हें कोई पता नहीं है, चाहे किसान की फसलें बम्बा आने से बर्बाद हो जाए। हैं तो इन चीजों को लेकर के हमें तो केवल जिले के जो मुखिया हैं अभी मान जिलाधिकारी महोदय, उनसे एक बात करनी थी। आज तक आपको अपने बारे में बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर अकेला ही आता हूं कभी कभार मिलने किसी से भी। कप्तान साहब हैं, बड़ा ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्हें हम पहले से भी जानते हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है। इस वजह से जिले में आज आंदोलन इस प्रांगण में हो रहा है, नहीं तो पवन ठाकुर ने आंदोलन हमेशा उस गेट पर किया है और अंदर किया है। केवल कप्तान साहब की वजह से वो एक बेदाग चेहरा है मेरी नजर में, क्योंकि मैं जब से उन्हें जानता हूं उन्होंने बहुत से आंदोलनों में मीडिएशन किया है और किसानों की बातें भी हमारी आगे तक पहुंचाई हैं। तो इस वजह से आंदोलन इस धरना स्थल पर, नहीं तो आज तक मैं धरना स्थल घुसा नहीं हूं कभी भी। और एक और चीज, एडीएम साहब को भी आना था यहाँ पे, कुछ समस्या उनके स्तर की थी, आप लोगों को भेज दिया है, तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्ञापन या तो डीएम साहब लेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम ज्ञापन किसी को नहीं देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी अपना खाना पीना खाएंगे और इसके बाद सीधे घर को चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम ऊधम पमाड़ा करें उससे हमारे कप्तान साहब की भी छवि खराब होगी कि उनके जिले में इस तरीके का ऊधम कर रहा है। क्या नहीं सुननी अधिकारियों को बात? बिल्कुल न सुन लें। और हम अभी यहां से अपना खाना पीना जो भी अभी व्यवस्था है लोगों की, हम ज्ञापन अब देंगे नहीं किसी को, क्योंकि अधिकारियों की नदार बिल्कुल मतलब अधिकारी किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है जिले का। कोई कौन से आए, बिजली विभाग के एक्सीलेंस से बात होनी थी, या पूरे जिले से यहाँ पे किसान आया, किसी गांव से 2, किसी गांव से 4, या तो एक्सीलेंस से बात करेंगे या एक एसडीओ आके बात कर लेगा हमसे, सिंचाई विभाग का जे आकर के बात कर रहा है हमसे, या तो ये तरीका नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर ये एक्सीलेंस वगैरह अपने ऑफिस में बैठे हैं और जिले पे अगर इतना सारा किसानों ने इकट्ठा मिल रहा है समस्या सोल्व करने के लिए, तो उन्हें यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए। इस तरीके से अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने किसान को बहुत सम्मान दिया। और आगे की चीज आपको एक और बता दें कि हमने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन विधानसभा चुनाव पे भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे हरेक मंच पे बुलाया था और हर जगह नाम भी लिया, सब कुछ किया, मतलब बढ़िया रहा उनका, बढ़िया चल रही है सरकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकारी उनके नाम को बर्बाद किए दे रहे हैं और वो हम नहीं होने देंगे। अब इस जिले में आज से आंदोलन की शुरुआत हो गई है, अब इतने धरने प्रत्येक विभाग के बाहर होंगे, जितने आप एलआईयू से आप हमारे बारे में पूछ लेना,
बिल्कुल एक भी दाग नहीं है, आज तो बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि है। किसी ऑफिस में बेवजह आज तक मिलने नहीं गया हूँ मैं बेवजह, और इतने सारे किसान मेरे साथ आए, अगर सुनने तैयार नहीं है तो प्रत्येक विधायक का विरोध किया जाएगा, प्रत्येक सांसद का विरोध किया जाएगा। हम आए हमारे गाँव की तरफ, या हमारे जितने भी किसान है सभी अपने अपने घर के सामने उन्हें काले झंडे दिखाओ और